एजुकेशन को भी इंशाअल्लाह ताला अपने निजाम की तालीमी निजाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। स्पीकर, ये मेरा आपसे और इस मुअज्जज़ ज़बान से वादा है कि आप देखेंगे कि लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में किंडरगार्टन में पढ़ता है उसी स्टैंडर्ड की इंशाअल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन हम शुरू करेंगे। पंजाब का टैक्स फ्री तारीखी बजट पेश किया। सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए मुफ्त दूध, तलबा को फ्री खाना दिया जाएगा। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम में मजीद 500 गाड़ियां शामिल होंगी। वज़ीरे आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, किसानों के लिए प्रोग्राम समेत दीगर असलाहत भी गंवाई। सियासी मुखालिफिन पर भी ताबड़तोड़ वार, बोली टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है, उन्हें अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। इस बजट का हॉलमार्क ये है कि पंजाब के आवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल से दूसरी की तारीख में पहली मरतबा 400 अरब का किसान पैकेज वो स्क्रीन पर है इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आपको और इस मुअज्जज़ ज़बान को जान के खुशी होगी कि आज तमाम पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो दवाई मुफ्त लोगों को दी जा रही है। ना सिर्फ मुफ्त दी जा रही है, उनकी दहलीज पे मुफ्त पहुंचाई जा रही है। वज़ीरे आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। पंजाब असेंबली से ज़िमनी बजट की मंजूरी मौखर। वज़ीरे आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी, बैठ जाए गला थक जाएगा। मरियम नवाज का तकरीर के दौरान शोर शराबे पर अपोजिशन को जवाब, कहा स्पीकर साहब इन्होंने 5 साल यही करना है, मुझे इन पर तरस आता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा हाउस को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश की, आइंदा हाउस को इन ऑर्डर चलाने के लिए आईनी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। स्पीकर का आईनी इख्तियार का इस्तेमाल, मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 11 अपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुल्फिकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब रशीद शामिल, शेख इम्तियाज महमूद, हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शफी, जाना औरंगजेब मुअत्तल। हंगामा राय करने वाले अरकान 15 दिन तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। हम भी अपोजिशन में रहे मगर इन जैसी बदतमीजी नहीं की। अपोजिशन जैसा करेगी अब उनको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीरे इत्तला'आत असमा बुखारी की मीडिया टॉक, कहा वज़ीरे आला अपना रूट मैप देते हैं। 100 दिन में इस हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट किए उन्हें 2 घंटों में बयान नहीं किया जा सकता। हुकूमत का अपनी छत अपना घर मंसूबा, आलमी बैंक से मिलने वाले 20 करोड़ डॉलर मंसूबे का हिस्सा होंगे। महकमा हाउसिंग ने मंजूरी के लिए असेंबली एवान वज़ीरे आला को अरसाल कर दी। आलमी बैंक ने पीटीआई दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 50 अरब का कर्ज मंजूर किया था। नवी जमात के हजारों तलबा को बायोलॉजी की किताब ना मिली, हजारों तलबा पुरानी किताबों पर गुजारा करने लगे। डिमांड के मुताबिक सरकारी स्कूलों को किताबें दे चुके टेक्स्ट बुक बोर्ड का मौकिफ। एजुकेशन अथॉरिटीज प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर करने में नाकाम। पंजाब के 45,000 स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। लाहौर में 993 से ज्यादा स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाहली से तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म कर दी। 2 हफ्ते बाद आउटडोर खुल गए, इलाज मुआवजा शुरू। नर्सों समेत दीगर स्टाफ भी ड्यूटी पर आ गया। लाखों मरीजों की जान में जान आई। यंग डॉक्टर्स ने मामला लाहौर हाई कोर्ट जाने पर हड़ताल खत्म की। सानिहा साहिवाल की जुडिशियल तहकीकात के लिए दरखास्त, हाई कोर्ट ने वाडिये की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत के हुक्म पर पंजाब भर में हड़ताल खत्म कर दी। सदर यूनियन डॉक्टर मोहम्मद शुएब का अदालत में बयान, आप हमारा असासा हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क, डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त पर रिपोर्ट तलब। सुबह वजीर ख्वाजा सलमान नफीक, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर समान फरीक नामजद। हेपेटाइटिस बी शहर में पंजे गाड़ने लगा। 1 माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 252 केसेस की तस्दीक। ब्लड सैंपलिंग के दौरान हेपेटाइटिस बी के केस सामने आए। जनरल अस्पताल 73, मेयो 51,
और जिना अस्पताल में 32 केसेज रिपोर्ट हुए। छह एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मयारी करार। क्यू यूरियन बैग इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन गैर मयारी निकला। हर्बल अद्वियात टेबलेट हब ई गूगल खास क्रीम क्यूटी ग्लोटेक्स में एलोपैथिक अज्जा पाए गए। लोशन लर्मोस्ट सीरप सोना में एलोपैथिक अज्जा मिले। हर्बल क्रीम बायोट्यू अमीजा और दीगर में भी एलोपैथिक अज्जा निकले। गैर मयारी अद्वियात का स्टॉक मार्केट से पूरी हटाने का हुक्म। नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन का पार्क उजड़ गया। जगह जगह पानी और गंदगी के ढेर। मकीनों का पार्क जाना मुहाल। पार्क में झूले हैं न बैठने की जगह है। गंदा पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश होने लगी। शाहदरा में मामूली तर कलामी पर चुरियां चल गईं। चुरियों के वार से नौजवान शदीद जख्मी। वारदात के बाद मुलजिमान फरार। जुनेद हस्पताल मुंतकिल। लाहौर के 3 थानों के SHO तब्दील। राय आसिफ SHO मजंग तैनात। यासिर अब्बास को SHO मनावा लगा दिया गया। असीम अनवर SHO हंजरवाल मुकर्रर। बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात का केस। जस्टिस शुजात अली खान ने मुबशर जावेद की मुतफरक दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत से जुलाई के 3rd हफ्ते में जवाब तलब। उधर इलेक्शन कमीशन की पंजाब को नया बल्दियाती एक्ट 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। परवेज इलाही का नाम ECL में शामिल करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। केस जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में लगाने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स का केस 11 जुलाई तक मुलतवी। परवेज इलाही की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। सानिहा 9 मई के मुकदमा। बानी PTI की 3 केसों में अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने खुद पेश होने के बजाय जूनियर अफसर के जरिए रिकॉर्ड भिजवाया। अदालत का तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। मुल्जिम के अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। अता ताड़ की NA 127 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अता ताड़ के फॉर्म 45 का रिकॉर्ड भी मांग लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान की जेर सदारत वकला की सिक्योरिटी पर इजलास। होम सेक्रेटरी नूरुल उमीन मिंगल IT डॉक्टर उस्मान अनवर CCPO बिलास सिद्दीक कमियाना की शिरकत। मुस्तकबिल में वकला की अमवात जैसे वाकयात के सदबाब के लिए लाए अमल पर गौर। DGPDMA की जेर सदारत मानसून बारिशों पर इजलास। लाहौर फैसलाबाद रावलपिंडी के अफसरान की शिरकत। वासा हुकाम की अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर तैयारियों पर ब्रीफिंग। इरफान अली काचिया ने नालों की सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत की। मानसून बारिशें और निकासी आप कमीशन CBT ने वॉल्टन रोड पर 15 क्यूसेक के 2 RC पंप नस्ब कर दिए। वॉल्टन रोड की मेन कैरेज वे को अक्टूबर में हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। CEO CBD इमरान अमीन का ऐलान। मॉडल बाजारों में मुफ्त होम डिलीवरी होगी। पंजाब हुकूमत ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी अफसल खोखर ने मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब का सरकारी जामियात से मुतालिक बड़ा फैसला। 25 यूनिवर्सिटियों के कायम मकाम वाइस चांसलर के इख्तियार महदूद कर दिए। सिंडिकेट और सेनेट इजलास मुनाकिद करने से रोक दिया। असासा की तरक्की और तैनाती भी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी पंजाब के वफ की भी मुलाकात। सैयद अली हैदर गिलानी से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात। लाहौर पुलिस के क्राइम फाइटर अफसरानों एहलकारों के एजाज में तकरीब। बेहतरीन एहलकारों में इनामात और असनाद तकसीम। आज पंजाब ने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। पुलिस के बहादुर जवानों के लिए मेडल्स फाइनल। लाहौर के 10 पुलिस एहलकारों का नाम भी आ गया। कायदे आजम और पाकिस्तान पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। इमरान किशोर मलिक लियाकत इतजाज कुमैल शामिल। CTD लाहौर के एहलकारों को भी मेडल मिलेगा। चेयरमैन नात्रा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा।
आई जी डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर अफसरान से मुलाकात। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चेयरमैन नादरा आबशार खिदमत मरकज शाद मान का स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन व साहिबान गुलबर्ग का भी दौरा किया। डीजीएलजी तार फारूक का वन विंडो सेल का दौरा, शहरियों से सर्विसेज की फराहमी बारे फीडबैक लिया। डायरेक्टर वन विंडो सेल राफिया नजीर ने ब्रीफिंग दी। कजाकिस्तान के सफीर का कमिश्नर ऑफिस का दौरा, जैद बिन मकसूद ने लाहौर में जारी तरक्याती कामों का बताया। तजारती और सकाफती सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल, मेहमान सफीर लाहौर की दिलकशी के मोतरफ। सेंट्रल एशियाई ममालिक के सफीरों का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर चैम्बर काशिफ अनवर समेत दीगर शख्सियात से मुलाकात। आजरबाईजान और कर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सफीर शामिल। तलबा पर तशद्दुद की जाली खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, कर्गिस्तान के सफीर की वजाहत। और ईरान के नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग, ईरानी काउंसलेट में ईरानी शहरियों के लिए पोलिंग बूथ कायम। सिफारतकारों और ईरानी शहरियों ने हक के राह दही इस्तेमाल किया। 120 ईरानी शहरियों मर्दों खातिन ने वोट कास्ट किया।